हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। जैसे कि बोर्ड्स फरवरी में है और जनवरी में मैं कंसिडर करूँगी कि वो पूरा मंथ प्रैक्टिकल्स में चला जाता है, तो आपके लिए पास बिल्कुल टाइम बचने नहीं वाला। तो आप अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन को, तो वो आपको अच्छे से बेनिफिट करेगी। लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिस फोर मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर यू, एज इसमें प्री बोर्ड्स भी होंगी, सब कुछ बहुत फास्टली होगा। तो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि जैसे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो प्री बोर्ड्स है आई फील कि वो थोड़ा टफ होता है बोर्ड से, बिकॉज प्री बोर्ड्स में वो आपको फर्स्ट टाइम आप उसमें वो लेवल को आप अप्रोच करते हो। जैसे कि आपने यूनिट सेमेस्टर्स तो दिए होते हैं, बट प्री बोर्ड्स थोड़ा यू नो समअप होता है वो पूरे सारी एग्ज़ाम्स का, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो जनरली PYQ में ही होते हैं। तो जनरल जो मैं बता रही हूँ, प्री बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स सैम्पल पेपर जो होता है CBSE का वही देते हैं। स्कूल्स जनरली प्री बोर्ड्स को ट्वाइस कंडक्ट करती है सब स्कूल्स, तो प्री बोर्ड्स को एज अ बोर्ड्स लेके चलो कि प्री बोर्ड एक टाइप की बोर्ड है जो आपको देनी है। तो प्री बोर्ड को उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए पहले तो आपको NCERT अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, बिकॉज वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, PYQ से लेके assertion reason, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द क्वेश्चन बैंक, एंड आई वुड प्रीफर यू ओसवाल क्वेश्चन बैंक इज़ द बेस्ट। एंड उसके बाद आप क्या करो, रिवीजन करो एंड टेस्ट दो, यही मेथड होता है सभी प्रिपरेशन करने का, बट ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बार क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया तो उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू दैट क्वेश्चन बैंक, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक एज मैनी एज टाइम यू कैन। एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट NCERT रीडिंग, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज अगर आप एग्ज़ाम में NCERT की लाइन उठा के लिख दोगे तो इट विल लीड गुड इंप्रेशन। आपका जो सिलेबस है वो नवंबर तक तो हो जाना चाहिए, उसके बाद आप बार बार रिवीजन करो और सैम्पल पेपर सॉल्व करो और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते रहो। सॉल्विंग सैम्पल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल टेल यू ऑन व्हाट लेवल यू आर स्टैंडिंग ऑन। इफ यू डिडंट चेक आउट CBSE सैम्पल पेपर, प्लीज़ गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE.NIC, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और सैम्पल पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है तो, और जिनकी नहीं चल रही अच्छी तो वो अपने जो सिलेबस से पहले तो उसको कम्प्लीट करें, बिकॉज जब तक आप अपना पूरा सिलेबस नहीं कम्प्लीट करते आप हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके छूट जाएंगे। और अगर आपने आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, PYQ उसको सॉल्व करो, और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं किया तो वो कंप्लीट करो, देन उसके बाद रिवाइज करो, NCERT को रीड करो, एंड देन कम ऑन दी सैम्पल पेपर, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग, एंड इफ यू हैवन गिवन योर 100% इन इट, देन डेफिनेटली आपको डीमोटिवेशन फील होने लगेगा। सो दिस इज़ द ओनली वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स। अगर यही सारे स्टेप्स में आप अपना 100% दोगे, बेस्ट दोगे, तो इट विल डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू एट द एंड। सो आई एम गोइंग टू शेयर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो प्लीज़ बी ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स कैसे अप्रोच करने हैं, हर एक सब्जेक्ट में किस चैप्टर में क्या क्या करना है, किस वे में प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डीकोड करूँगी सैम्पल पेपर को, सो प्लीज़ बी ऑन माई चैनल।